दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन याद रखना, अच्छा समय कभी अच्छा इंसान वापस नहीं ला सकता। नमस्कार दोस्तों, बोधी थिंक्स पाए यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है बौद्ध भिक्षुक और उनके शिष्य की। बौद्ध भिक्षुक के मठ में यह नियम था कि जब भी उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता था तो उसे कहते थे कि एक दिशा में चले जाओ और उसमें जाकर के वो जगह बताते थे, वहां जाओ, जाकर के रहो और आसपास के लोगों का ज्ञान वर्धन करो, उनकी जो आत्मा है उसको जागृत करो, उनकी चेतना को जागृत करो, प्रयास करो उन्हें सदमार्ग पर लाने का। दोस्तों, एक समय की बात है, शहर से कोसों दूर एक पहाड़ की छोटी पर एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह उस पहाड़ की छोटी पर कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन किसी कारणवश उन्हें पास के नगर में जाना पड़ा और उस यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें एक लावारिस बच्चा सड़क पर मिला, जिसे देखकर उन बौद्ध भिक्षु के मन में दया जाग उठी और वह उस छोटे से बच्चे को आश्रम ले आए। अब वह छोटा सा बच्चा उन बौद्ध भिक्षु की देखरेख में बढ़ने लगा, वह प्रकृति की गोद में पलने लगा। देखते ही देखते समय बीतने लगा और वह लड़का करीब 8 साल का हो चुका था। और एक दिन उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, भंते तालाब के पास जाओ, उसके किनारे बैठो और आंख खोल कर ध्यान करो। वह 8 साल का मासूम बच्चा यह नहीं जानता था कि ये ध्यान क्या है। उस बच्चे ने भोलेपन के कारण उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह चुपचाप तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया। तालाब के किनारे एक अजीब सी शांति थी। उस शांति में वह बच्चा कभी आसपास की झाड़ियों की तरफ देखता तो कभी उन पर लगे फूलों, उनकी पत्तियों, नदी में बहने वाले जल और आसपास के पत्थरों को बहुत ध्यानपूर्वक देखता, जिससे उसके मन को अजीब सी शांति मिलती, जिससे वह लड़का बहुत अच्छा महसूस करता। अब से वह हर रोज ठीक उसी समय तालाब के किनारे आकर बैठ जाता और आसपास की झाड़ियों की फूलों और नदी में बहने वाले जल तथा वहां पर उपस्थित उन पत्थरों को ध्यान से देखता। धीरे धीरे उस मासूम बच्चे के भीतर चीजों को निरीक्षण करने की कला विकसित हो गई। उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगा। वह प्रकृति में होने वाली हर एक चीज को बड़ी गहराई से देखता और महसूस करता, जिससे उसका मन शांत हो जाता। और जब वह शांत होकर बैठता, फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और पत्थर की दृढ़ता को अपने भीतर देखता और उसे महसूस करता, और देखते ही देखते उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती और वह उसी मुद्रा में काफी समय तक नदी के किनारे शांत बैठा रहता, और जब भी उसकी आंखें खुलती तो वह आश्रम वापस लौट जाता। ऐसे ही कुछ और साल बीते और देखते देखते वह लड़का भी अब जवान हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह लड़का नौजवान हो रहा था, उसके भीतर से निरीक्षण करने की वह शक्ति खो चुकी थी। अब वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर शहर की उस टिमटिमाती रोशनी को देखता जो उसे पल पल आकर्षित करती थी। अब वह चाहकर भी शांत होकर बैठ नहीं पाता था। उसका मन तो पल पल उस शहर की ओर भागता था। देखते ही देखते वह लड़का 18 साल का नौजवान युवक बन गया और अब उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। उसे पर्वत की शांति अब व्यर्थ लगने लगी थी, उसमें उसे कोई भी रस नहीं आता था। वह तो अब दुनिया घूमना चाहता था, दुनिया देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि बाहर के लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे रहते हैं। वह नए लोगों से मिलना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, उनका रहन सहन देखना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके उन बौद्ध भिक्षु से कहा, पिताजी, मुझे यह दुनिया देखनी है। आखिर मैं कब तक इन पहाड़ियों में घूमता रहूंगा? उस शहर की दुनिया यहां से देखने में कितनी हसीन लगती है। मैं भी वहां जाना चाहता हूं, वहां के लोगों से मिलना चाहता हूं, वहां के लोगों से बात करना चाहता हूं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उन्होंने उस लड़के की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानते थे कि जो भी इंसान के पास नहीं होता वह उसी के पीछे आकर्षित होता है, और जो उसके पास होता है इंसान उसकी कदर नहीं करता। इसलिए उन्होंने उस लड़के को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वह चुपचाप केवल उस लड़के की सारी बातें सुनते रहे। उधर दूसरी तरफ वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, किंतु जब उन बौद्ध भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा तो वह चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह उन बौद्ध भिक्षु ने खुद ही उस लड़के को अपने पास बुलाया और उस लड़के के हाथ में एक पत्र देते हुए कहा, बेटा, तुम शहर जाना चाहते हो, ना जाओ,
वहां का राजा मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तुम उसे यह पत्र दे देना और जब तक तुम्हारा मन करे तुम उस राजा के पास ही रहना। वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ग्रहण कर चुका था और वह बौद्ध भिक्षु यह अच्छी तरह जानते थे कि वह राजा महल में रहने वाला एक सन्यासी है, वह बहुत आत्मज्ञानी है, किंतु उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को राजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लड़के को शहर जाने की अनुमति मिल चुकी थी और इस बात से वह लड़का अब बहुत खुश था। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत ही अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। जब वो रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ा तभी अचानक उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा, आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। जैसे ही उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आज तक तो उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे कहीं पर भी जाने नहीं दिया था, लेकिन आज उस राजा के पास उन्होंने मुझे इतनी आसानी से क्यों भेज दिया। जैसे उसके मन में विचार आया वह लड़का तुरंत ही रुक गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा दिया गया वह पत्र निकाला। उस पत्र को खोला तो उसमें केवल 3 ही शब्द लिखे थे और वह थे, केवल दिशा दिखाओ। लड़के ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही उसने उन 3 शब्दों पर गौर किया। उसने ज्यादा सोचा नहीं और वह शहर की ओर आगे बढ़ने लगा। शहर पहुंचकर लड़के ने राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने उस लड़के से वह पत्र लिया, उसे खोला और पढ़ा और फिर तुरंत ही उस लड़के का चेहरा देखा, जिसे देखकर राजा यह समझ चुका था कि उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को वहां पर क्यों भेजा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, आज कहां सिपाहियों लड़के के लिए महल में रहने का प्रबंध किया जाए और इस लड़के को इस राजमहल की सारी सुख सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उसके बाद वह राजा उस लड़के से कहता है, बेटा तुम्हारा यहां पर एक ही काम है, तुम्हें बस खुश रहना है। लड़का राजा की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न था कि उसे यहां पर कोई भी काम नहीं करना, बस उसे यहां पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करना है। उस लड़के को राजमहल में वह सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी जो राजा को मिला करती थी। ना तो उसे कोई काम करना पड़ता था और ना ही किसी प्रकार की कोई चिंता थी। वह लड़का राजमहल में बहुत खुश था और उसके पास अब समय ही समय था और अपने खाली समय में वह शहर में घूमा करता, लोगों से मिलता, लोगों से बातें किया करता। यहां तक कि उसने शहर में कई सारे लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। राजमहल में रहकर उसने कई सारी किताबें भी पढ़ ली थीं। और यह सब करते हुए अभी उसे कुछ महीने ही गुजरे थे, लेकिन धीरे धीरे अब उस लड़के का मन इन सब से उफने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि उसका मन हमेशा कुछ नया चाहता है, लेकिन जब कुछ नया मिल जाता है तो यह मन संतुष्ट नहीं हो पाता, अर्थात हमारा मन बेचैन ही रहता है। और जब लड़के को इन बातों का एहसास हुआ, जब उसने अपने जीवन में यह सारी चीजें महसूस की, तो उसके बाद वह दूसरों पर निरीक्षण करने लगा। वह हर सुबह महल के बगीचे में जाया करता। वह बगीचा बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक था और यह बगीचा शहर का सबसे बड़ा बगीचा भी था और इस बगीचे में शहर का कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था। वह लड़का अपना अधिकांश समय उस बगीचे में ही बिताया करता और वहां पर आने जाने वाले व्यक्तियों को वह ध्यान से देखता, उनका निरीक्षण करता। कुछ दिन निरीक्षण करने के बाद उसे यह पता चला कि लोगों के चेहरों पर हमेशा तनाव बना रहता है, चाहे वह कोई अमीर आदमी हो या फिर कोई गरीब, फिर चाहे वह कोई व्यापारी हो या कोई कर्मचारी। सभी के चेहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लोगों का शरीर तो बगीचे में है किंतु उनका मन कहीं और ही भटक रहा है। लोगों के मन में एक अजीब सा तनाव है, लोग किसी ना किसी परेशानी में है, चिंतित है, जिस कारण वह इस समय और अभी यहां पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनका शरीर यहीं पर है किंतु उनका मन यहां नहीं, और बगीचे की सुंदरता उसका आकर्षण भी लोगों के मन को शांत नहीं कर पा रहा था। उन लोगों को देखकर वह लड़का मन ही मन यह सोचता था कि यह लोग जिंदा तो है पर जीना भूल गए हैं, केवल कुछ छोटे बच्चे ही हैं जो इस बगीचे में आकर सचमुच खुश होते हैं। यहां की खुशबू, यहां की हवा, यहां के आकर्षण को देखकर उनका मन ललाट हो जाता है और वह खिलकर हंस वह वर्तमान में जीना जानते हैं। उन सभी व्यापारियों, उन सभी सेठों को देखकर आज लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह यह सोच रहा था, मुझे तो लगता था कि शहर में उन्नति करने वाले बड़े घर के लोग हमेशा खुश रहते होंगे, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती होगी, लेकिन आज यहां पर आने के बाद यहां का नजारा तो कुछ और ही है। उस लड़के को
अब ये एहसास हो चुका था कि बाहरी सुख सुविधाओं से केवल शरीर को आराम मिलता है, किंतु हमारा मन बाहरी चीजों से केवल भटकता है और भटकाव से हमारा मन थकता है। हम चाहे कितने भी ऐशो आराम में क्यों ना रहे, चाहे कितने भी आकर्षण के केंद्र में क्यों ना रहे, हमारे मन को कभी असली आराम और असली खुशी नहीं मिल पाती। खुश रहने की बात तो दूर है। लोगों की बेचैनी देखकर, लोगों के चेहरे पर इस प्रकार का तनाव, चिंता और परेशानियां देखकर लड़के का मन और भी बेचैन होने लगा था। वो उनके बारे में सोच सोच कर और भी ज्यादा चिंतित होने लगा था। इस दौरान उसके मन में कई बार आश्रम वापस दौड़ जाने के ख्याल भी उठते थे, लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न होता कि मैं राजा से क्या कहूंगा, और राजा से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत ना होती। एक दिन वह लड़का चिंतित अवस्था में एकांत में उस बगीचे में बैठा हुआ था, और तभी अचानक वहां पर वह राजा भी उसी बगीचे में टहलने आए। राजा ने जब उस लड़के को एकांत में बैठे देखा तो वह समझ चुके थे कि लड़के के मन में कुछ बातें चल रही हैं। वह राजा उस लड़के के पास आया और उस लड़के से इस तरह बैठे रहने का कारण पूछा। इस पर वह लड़का उस राजा को जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूं, मैं उतना ही परेशान होता जा रहा हूं। यहां शहर में लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छा घर है, खाने के लिए तरह तरह के पकवान है, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा, फिर चाहे वह धनवान हो या कोई गरीब, कोई व्यापारी हो या फिर कोई कर्मचारी, सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव है, चिंता है, परेशानी है। केवल यहां पर कुछ बच्चे ही हैं जो सही मायने में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम भविष्य और भूतकाल में जीना सीख जाते हैं। हम हमेशा अपने भविष्य को सुधारने में लग जाते हैं। हे राजन, क्या यही जीवन का सच है? अगर शहर का जीवन ऐसा ही है तो मैं यहां नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मैं वापस आश्रम लौट जाना चाहता हूं। राजा ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम जाना चाहते हो तो तुम कभी भी जा सकते हो, तुम्हें किसी ने रोक नहीं रखा, लेकिन जाने से पहले तुम दो काम अवश्य करना। इतना कहकर राजा उस लड़के से पहला काम बताते हुए कहता है, तुम इस बगीचे का निरीक्षण करो। आगे वह राजा उस लड़के को समझाते हुए कहता है, बेटा, जैसा कि तुमने कहा, इस नगर में कुछ लड़के ही हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, और वह वर्तमान में जीना भी जानते हैं। तो तुम क्यों ना उन बच्चों की तरह ही इस बगीचे को भी देखो, जिस तरह से वह बच्चे इस बगीचे में आकर खुश हो जाते हैं, क्यों ना तुम भी उन्हीं की तरह इस बगीचे में आकर खुश हो जाओ। यहां की हर एक चीज को वो जैसे देखते हैं, तुम भी उसे वैसे ही क्यों नहीं देखते? इस पर वह लड़का राजा से कहता है, परंतु हे राजन, वह कैसे होगा? राजा उस लड़के को समझाते हुए कहता है, बेटा, इस बगीचे में पौधे हैं, पेड़ है, पत्तियां हैं, फूल है, यहां की मिट्टी इतनी खुशबूदार है, तुम इन चीजों पर ध्यान लगाओ, इन चीजों को गौर से देखो, इन्हें महसूस करो। किंतु याद रहे, इन चीजों को देखते वक्त, इन्हें महसूस करते वक्त कभी किसी का कोई मतलब निकालने की कोशिश मत करना, किसी से कोई कहानी मत जोड़ना। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि तुम्हें इन चीजों को गौर से देखना है, उन्हें महसूस करना है। इन चीजों से जुड़ मन में जो भी विचार आए, उन विचारों को केवल तुम देखते जाओ, उनका कोई मतलब मत निकालना, केवल देखते जाना, और उसके बाद तुम मुझे आकर बता सकते हो कि तुम महसूस कर रहे हो। इतना कहकर वह राजा वापस महल लौट आया। वह लड़का कुछ देर वहीं पर बैठा रहा और राजा की बातों पर विचार करता रहा, और शाम के वक्त वह भी महल लौटा और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह वह लड़का जल्दी उठा और बगीचे में आकर एक जगह पर बैठ गया। वह शांति से वहां पर उपस्थित उन पेड़ पौधों और वहां पर आने वाली उन हवाओं को देखने और महसूस करने लगा। जब उसने बगीचे की तरफ ध्यान दिया तो उसने देखा कि चारों तरफ काफी सारी सूखी हुई पत्तियां बिखरी हुई हैं, तरह तरह की गंदगी है। यह देखकर उसके मन में विचार आया कि बगीचे की सफाई होनी चाहिए। तभी उसका ध्यान फूलों की तरफ गया। उन फूलों को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह सोच रहा था कि फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तभी उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि बहुत जल्द पतझड़ का मौसम भी आने वाला है, जिस कारण ये सारे फूल बहुत ही जल्द मुरझा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। वह उन विचारों से जुड़ जाता, लेकिन जैसे ही उसे राजा की बात याद आती, वह खुद को उन विचारों से अलग करता, और इसी प्रकार
वह उन सभी विचारों को देखता रहा। देखते 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 काफी वक्त बीत चुका था और अब उसका मन भी शांत होने लगा था। अब से वह हर रोज उस बगीचे में आता और इसी प्रकार वहां की सौंदर्य, वहां पर उपस्थित पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, वहां की मिट्टी, हर एक चीज को ध्यान से देखता और उन्हें महसूस करता। देखते ही देखते ऐसे कई दिन बीत गए और अब वह लड़का जब भी उस बगीचे में आता तो वहां पर उस फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता, धरती की स्थिरता और वहां पर आने वाली उनको महसूस कर पाता। वह अपने अंदर उन्हें देख पाता, जिसे यूं भी कह सकते हैं कि वह लड़का उस बगीचे के साथ एक हो गया था और अब उसका मन भी पहले से बहुत शांत होने लगा था। जब भी वह बगीचे में आता तो कई घंटे यूं ही बैठा रह जाता और एक दिन अचानक उस लड़के को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उन बौद्ध भिक्षु ने 8 साल की उम्र में यही खुली आंखों वाला ध्यान सिखाया था। और जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ, वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही महल में राजा के पास गया और राजा से कहता, हे राजन, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया और ऐसा करने से मैंने 3 बातें सीखी। पहली, जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो मन के स्पंदन या मन की अवस्था उसी वस्तु जैसी हो जाती है, इसलिए सही और सात्विक वस्तुओं पर ध्यान देने का महत्व है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि प्रकृति का स्वभाव शांत है, इसलिए इस पर ध्यान लगाने से, झरने की आवाज सुनने से, हवा की शीतलता महसूस करने से, धरती की स्थिरता महसूस करने से मन को बहुत आराम मिलता है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि जब हम दुखी होते हैं तब हम और ज्यादा मुसीबत या रुकावट पर ध्यान देते हैं, जिस कारण हम और ज्यादा परेशान होने लगते हैं, चिंतित होने लगते हैं और इस परेशानी में हमारा दृष्टिकोण और नकारात्मक भी हो जाता है। हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक बातें उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि हमें इस दुख से बाहर निकलना है, यदि हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो हमें अपना ध्यान नकारात्मक बातों से हटाकर, अर्थात उन परेशानियों से हटाकर, अच्छी चीजों की ओर ले जाना चाहिए, जो स्वभाव से शांत हो, जिससे हमारे मन को ऊर्जा मिलती है, हमारा मन एक बार फिर ऊर्जा से भर जाता है। राजा ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह लड़के को कहते हैं, बहुत अच्छे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, किंतु अब यही काम तुम्हें अपने लिए करना है, अर्थात अपने मन के लिए, और यही तुम्हारा दूसरा काम है। मन को देखो, इस बात को समझाते हुए राजा उस लड़के से कहते हैं, जो भी विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, भले ही वह तुम्हारे बारे में ही क्यों ना हो, उन विचारों पर बिना प्रतिक्रिया दिए बस उन विचारों को देखते जाओ, अर्थात किसी भी विचार में अच्छा या बुरा मत सोचो, उन विचारों पर निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बस उन विचारों को देखते जाओ, यही तुम्हारा आखिरी काम है। लड़के ने राजा की बात मान ली और अब से उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने इस अभ्यास को शुरू किया, लेकिन अब की बार अभ्यास इतना आसान नहीं था। जब भी उसे अपने बारे में विचार आता तब वह उसमें खींचा चला जाता, वह अपने आप को रोक नहीं पाता। और जब वह इस चीज का अभ्यास कर रहा था तब उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि खुद के प्रति संभव विकसित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी, वह टिका रहा। देखते देखते कुछ महीने यूं ही निकल गए और लड़के को जब भी समय मिलता वह अपने विचारों को देखने की कोशिश करता। देखते देखते वह अभ्यास में इतना निपुण तो हो चुका था कि जब भी उसके मन में कोई विचार आते, फिर चाहे वह खुद को ही लेकर क्यों ना हो, तो वह उसमें अच्छा या बुरा नहीं जोड़ता, बल्कि वह केवल शांति से उन विचारों को देखता और उन विचारों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ऐसा करते करते अब वह इतना निपुण हो चुका था कि उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था, वह भीतर की ओर मुड़ने लगा था। और जैसे जैसे उसने इसमें और भी निपुणता हासिल की, उसका मन शांत होने लगा। उसका मन किसी भी विचार के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता था, और जैसे उस लड़के के मन ने किसी भी विचार के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद किया, उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। और मन के शांत होते ही लड़का मन के सारे रहस्य समझ चुका था। वह यह जान चुका था कि संसार केवल हमारे मन का ही एक प्रतिबिंब है, जो अच्छाई और बुराई हमें बाहर दिख रही है, ये सब कहानी है। ये सारी कहानियां हमारा मन ही बुन रहा है और ये सारी कहानियां हमारा मन ही हमें सुना रहा है, और इसी अच्छे और बुरे के चलते हम मन की बातों में फंस कर रह जाते हैं।
और हमारा मन हमें विचारों में बहा कर ले जाता है, जिस कारण हम कभी भी असली शांति और आनंद को देख नहीं पाते, उसे जान नहीं पाते, उसे महसूस नहीं कर पाते। अब उस लड़के को यह भी समझ में आ चुका था कि यह शांति, यह खुशी हमेशा से मेरे पास ही थी। उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे बचपन से ही इस शांति का एहसास करना पहले से ही सिखा दिया था, लेकिन मैं ही गलत था। मैं चीजों के पीछे भाग रहा था, मैं लोगों की खुशियों के पीछे भाग रहा था, मैं चीजें पाना चाहता था। लड़का यह जान चुका था कि संभव में रहना ही आंखें खोलकर ध्यान करना है, अपने मन के प्रति भी संभव रखना सबसे बड़ी शक्ति है, और यह शक्ति हमें यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद आखिरकार वह लड़का एक बार फिर उस राजा के पास पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग सा था। लड़के की दृष्टि सोचने और समझने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका था, वह पूरी तरह से वर्तमान में आ चुका था। लड़के ने राजा को जब दरबारियों से बात करते हुए देखा तो राजा के चेहरे को देखकर अचानक ही लड़के को यह एहसास हुआ कि राजा के चेहरे पर भी वही शांति झलक रही है जो उसे अब अभ्यास के कारण मिली है, जो उन बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। ठीक वही शांति, वही तेज राजा के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। राजा अपना पूरा राज्य भार संभालते हुए भी पूरी तरह से शांत है। यह देखकर लड़के के मन में विचार उत्पन्न हुआ और वह यह सोचने लगा कि आज तक मैं यह सब कुछ पहले क्यों नहीं देख पाया। जैसे उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, उसे उसके प्रश्न का उत्तर भी सही मिल गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो पहले अपनी मानसिक दुनिया में खोया रहता था, तो मुझे इन बातों का एहसास कैसे होता। मैं तो हमेशा भविष्य में जीता था, तो मैं वर्तमान में रहने वाली इन चीजों को कैसे समझ पाता। और ठीक उसी वक्त लड़के को उस पत्र में लिखे हुए वह तीन शब्द भी याद आए जो उसे उन बौद्ध भिक्षु ने दिए थे। केवल दिशा दिखाओ उन तीनों शब्दों का अर्थ क्या था, अब उस लड़के को अच्छी तरह समझ में आ चुका था। वह लड़के ने उस आत्मज्ञानी राजा को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने आश्रम लौट आया। दोस्तों, यह कहानी हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला यह कि हमें अपने भीतर मुड़ना जरूरी है। बाहर के जो भटकाव है जिससे हमारा मन थकता है, सुस्त होकर हमें नींद भी आ जाती है, लेकिन इससे हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता। हमारे मन को कभी चैन नहीं मिलता, जिस कारण हमारे चेहरे पर हमेशा तनाव, चिंता और परेशानी झलकती रहती है, और इसी कारण हम में से अधिकांश लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तकलीफों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वह समस्याओं का समाधान निकाल नहीं पाते। और वह यह है कि केवल दिशा बदलने की आवश्यकता है। अर्थात जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। उसी वक्त हमारे मन की समुद्र की लहरें उफान पर होती हैं, और उस वक्त हमें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि मन के समुद्र का वह पानी पूरी तरह से अशांत है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।